नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जॉब कल एग्ज़ाम हुआ है नीट पीजी 2020 उसका, ठीक है। हम बात करेंगे पेपर कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, और हम बात ये भी करेंगे कि जो फ्यूचर प्लानिंग है अब हमें क्या करना चाहिए, हम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें या ना करें, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि कल हुआ एग्ज़ाम, तो यार मैंने अपने आने के बाद कई दोस्तों से पूछा कि एग्ज़ाम कैसा था, तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता है नहीं एग्ज़ाम कैसा था, ऐसे एग्ज़ाम तो पहली बार दे रहे हैं, नॉर्मली क्या है। फिर उसके बाद मैंने जो आपके क्वेश्चन थे वो कलेक्ट किए, उनको देखा, ठीक है, तो समझ में आया कि मेरे को यार जो नॉर्मली पैटर्न होता है नीट का वो यार तीन पार्ट होते, पार्ट वन, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी तुम्हारे फर्स्ट सेकंड ईयर वाले सब्जेक्ट आते हैं, तो सी वाला क्लिनिकल रहता है, बस इनमें तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चन मिलते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या था दोस्तों, जो आपके पूरा पेपर ए बी सी सब कुछ कोरिलेट, पूरा क्लिनिकल, पूरा मेडिसिन सर्जरी से रिलेटेड। तो ये बात सच है कि यार पहले के कंपेयर में पेपर डिफ़िकल्ट था, ये पेपर आपका इसमें यूएसएमएल टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, एम्स टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड पेपर था। लेकिन दोस्तों हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्यों? देखिए दोस्तों, पेपर यदि हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, यदि आसान है तो सबके लिए आसान है। लेकिन यदि पेपर आसान होता ना दोस्तों, तो क्या होता है कि जो एक टैलेंटेड होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला बंदा होता है, वो पीछे रह सकता है, क्योंकि जो आसान पेपर होता है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो एक रट्टाफिकेशन वाला बंदा उसको याद कर सकता है, उसको सोल्व कर सकता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो क्लिनिकल में हमें चाहिए, हमें पेशेंट को डील करने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे हमें एक अलग से वो क्लिनिकल बेस अपन माइंडसेट होना चाहिए, वो चाहिए बंदे को रियल लाइफ में पेशेंट को फेस करने के लिए, वो सिर्फ हमें क्लिनिकल टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने से आता है। ये बात अच्छी चीज़ है कि जो NBE है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसने स्टार्ट किया है। और दोस्तों जिन लोगों ने जो अपना पूरा 100% देकर एग्ज़ाम दिया है कल, तो उनको बिल्कुल घबराने की बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि पेपर कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी, हर सब्जेक्ट की कम जाएगी, जो जो ब्रांच है उनके हिसाब से बिल्कुल कम जाएगी, क्योंकि पेपर हार्ड था। तो यदि आपने पैनिक नहीं हुए हो एग्ज़ाम के अंदर, कोई गड़बड़ नहीं की है, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं टेंशन लेनी चाहिए। यदि आपने गड़बड़ कर भी दी तब भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो चुका है, अब टेंशन लोगे तो ये तो है नहीं कि वहाँ जाके क्वेश्चन बदल जाएगा या कुछ वो कर लूँगा। अब आगे के लिए सोचिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। अभी के लिए 10-15 दिन बाहर निकल जाइए, एग्ज़ाम कैसा भी हुआ हो आपका, अच्छा हुआ या ख़राब हुआ हो, आप निकल जाइए घूमने के लिए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। उस दिन के लिए इस एग्ज़ाम को हटा दो माइंड से, 10-15 दिन के बाद सोचना कि यदि मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहता हूँ, यदि मैं क्लिनिकल टाइप मेरा इंटरेस्ट है, मैं इन चीज़ों में पूरा एफर्ट लगाऊंगा अपना, तो दोस्तों आपको कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल, यदि आपके अंदर है कि हाँ मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा। यदि आप फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक सब अब स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। इन कोचिंगों का और कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ना, इनका सिर्फ 10-15% रोल रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बंद पूरा रोल आपका रहता है, समझना, कोरिलेट करना, ठीक है। हम क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कर लिया उसके ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ, की तेरी अब तू, तेरी गारंटी है, तू करा मेरा सिलेक्शन। अरे यार ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, खुद का एफर्ट होता है, वो तुम्हें घुमा, उनका बिजनेस है, उनकी बात हम नहीं करने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको पूरा शुरू से कॉन्सेप्ट पे ध्यान होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि यार मैं नहीं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे सकता, तो आपको और ऑप्शन देखने चाहिए, आपको यार और काम करिए जो आप पसंद है। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा है, अब क्या करें, ठीक है, जब से तो नहीं बना सकते ना। तो और डिफ़िकल्टी लेवल की बात की, हार्ड था यार बिल्कुल, कट ऑफ कम जाएगी, आपको टेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और कट ऑफ की बात हो गई, डिफ़िकल्टी लेवल की बात हो गई, हमें क्या करना चाहिए वो बात हो गई, ठीक है। तो और ऊपर से यदि आप देखना चाहते हैं किस टाइप के क्वेश्चन थे, तो दोस्तों मैंने पहले ही आपके जो लगभग क्वेश्चन थे 200 के आसपास, वो मैंने अपलोड कर दी हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने,
आपका नीट पीजी 2020 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हैं किस टाइप क्वेश्चन थे, किस टाइप के आंसर थे, उससे आपको एक एनालाइज कर पाओगे कि हाँ कैसे पेपर था, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको किसी चीज़ की टेंशन की जरूरत नहीं है। एक बंदा में भी ऐसा होता है, वो भी कम नहीं है, लाखों लोगों का सपना होता है, आप उस पोजीशन पर आज हो। तो अपने आप को यार गलत इन्फॉर्मेशन से मत करो कि नहीं मेरी ज़िंदगी वो हो जाएगी, नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा यार, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है और चलता रहेगा ऐसे ही। तो दोस्तों होप कि ये वीडियो आपको एक अच्छा गाइड देगी, अच्छा रास्ता दिखाएगी। आप यदि समझ पूरी बात तो समझ आ पाया हूँ यदि मैं तो आप भी बताइएगा पेपर कैसा था, आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।